कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नगर निगम नागरिकों को प्रताड़ित कर रहा है। संपत्ति कर के नाम पर नियम विरुद्ध अवैध वसूली की जा रही है। राजनांदगांव कांग्रेस अध्यक्ष कुलवीर छाबड़ा ने कहा कि नगर निगम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। उन्होंने बताया नगर निगम द्वारा संपत्ति कर के नाम पर नियम विरुद्ध अवैध वसूली की जा रही है। मकान मालिकों द्वारा टैक्स दिए जाने के बाद भी अंतरराशि नियम विरुद्ध निकालकर जनता को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त सरकार के इशारे पर राजनांदगांव की जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलवीर सिंह छावड़ा ने कहा कि जनता से नोटिस वापस नहीं लेने पर निगम आयुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नगर निगम के द्वारा जिस प्रकार अभी शहर के नागरिकों को तकलीफ दी जा रही है, अभी नगर निगम न होके प्रताड़ना निगम हो गया है। यहाँ पर शहर में जनता टैक्स पटा रही है, निर्धारित जो नगर निगम के द्वारा जानकारी दी गई है, जिसका जिसका जितना टैक्स है उतना टैक्स जनता पटा रही है। पर अचानक नगर निगम ने अभी 583 लोगों को यहाँ पर नोटिस भेजा। 2023-24 में जो आपने टैक्स दिया है उसमें आपकी अंतर की राशि जो है 7,000, किसी को 8,000, किसी को 10,000, किसी को 6,000 ऐसा निकाल दिया है। तो जब टैक्स पटा दिए तो अंतर की राशि कैसे निकलेगी? ये निंदनीय है, इसे सहन नहीं किया जाएगा और वरिष्ठ लोगों के साथ मिलकर इसको जनता को राहत देने का प्रयास किया जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।